अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली खान है और आप देख रहे हैं यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। तो आज का टॉपिक है कि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ अपने टूरिस्ट वीज़ा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स करने वाले हैं, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब है नो फर्दर स्टे। 8503 कंडीशन के बारे में ऑस्ट्रेलिया जो है क्या करने वाला है और इससे कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा, जिसको आप कह सकते हैं डैमेज होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हो क्या रहा था। सबसे जब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टूरिस्ट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में आते थे और ऑस्ट्रेलिया में आके शुरू से इंटेंशन ये लेके आते थे कि हमने वापस नहीं जाना, और वो कन्वर्जन्स पे चले जाते थे। फॉर एग्जांपल स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करवा लिया, सम हाउ कोई वर्क वीज़, कोई ऐसे कुछ स्पॉन्सर ढूंढ लिया जिसने आपको वर्क वीज़े में हेल्प कर दी। या तीसरे जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट होने वाले हैं, वह पार्टनर वीज़ा वाले, स्पाउस वीज़ा वाले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो स्पाउस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है सब क्लास 100 का, वो ऑलमोस्ट अब 3 साल से ऊपर चला गया है। और लोग क्या कर रहे थे, जब स्पाउस वीज़े स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया होता था, साथ विजिट वीज़ा अप्लाई कर देते थे और उनका पार्टनर जब आता था तो वो भी क्या करते थे कि उन पार्टनर वाले अपने टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्जन में चले जाते थे और इस तरह अपना जो टाइम था उसको मीट कर लेते थे जब उनका नया वीज़ा उनको ग्रांट हो जाता था तब तक। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया क्या करने जा रहा है, नो फर्दर स्टे की कंडीशन जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कोई न्यू कंडीशन आई है, ये पहले भी जो वीज़ा ग्रांट होते थे ऑस्ट्रेलिया में इसके टूरिस्ट वीज़ा, उन पे भी कुछ वीज़ा के ऊपर नो फर्दर स्टे की कंडीशन आ जाती थी। तो उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर ये पहले भी कंडीशन आई हुई थी, वो लोग तो बिल्कुल स्टे नहीं कर सकते थे, अपना वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे, प्रोफाइल होते थे जिन पे नो फर्दर स्टे का जो कंडीशन थी वो नहीं आती थी, और वो फिर क्या करते थे, अपने इन वीजा को कन्वर्जन में लेके जाते थे। तो ऑस्ट्रेलिया जो है इस चीज को अब मेक श्योर करने जा रहा है कि जो उनका टूरिस्ट वीज़ा की जो इंटेग्रिटी है वो उसी तरह स्टेबल रहे, लोग इसको जो है होपिंग के लिए यूज़ ना करें। होपिंग मतलब होता है कि एक वीज़ा से दूसरे वीज़ा, दूसरे से तीसरे, उसी तरह 3-4 साल ऑस्ट्रेलिया में गुजार देते हैं। अच्छा, अब एक सलूशन इस वीज़ा में है कि अगर फॉर एग्जांपल आप टूरिस्ट वीज़ा पे फर्दर स्टे करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन वीज़ा आगे अप्लाई कर सकते हैं, जिसको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग प्रोटेक्शन वीज़ा अप्लाई करें जब आप जेन्युइन प्रोफाइल वाले नहीं हैं प्रोटेक्शन वीज़ा के लिए। ऑल्दो इसमें भी आपको 2-3 साल डिसीजन आने में लग जाते हैं प्रोटेक्शन वीज़ा के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट प्रोटेक्शन वीज़ा के भी प्रोसेसिंग टाइम को कम करने जा रहा है। और बहुत से केस ऐसे हैं स्पेशली इंडिया पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, जो लोग रियल साइलम सीकर नहीं है लेकिन वो आके साइलम क्लेम करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो जेन्युइन साइलम सीकर है उनके प्रोफाइल इफेक्ट होते हैं, उनका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ता है। इसके अलावा अगर कोई जेन्युइन साइलम सीकर है, बाज़ दफ़ा उसका केस भी रिजेक्ट हो जाता है सिर्फ आप लोगों की वजह से कि आप लोग नॉन जेन्युइन सीकर होते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करें कि आपने इस इंटेंशन से ऑस्ट्रेलिया में नहीं आना कि हमने प्रोटेक्शन वीज़ा अप्लाई करना है, ये सबसे एक लास्ट ऑप्शन है और आपने इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना। अच्छा, अब बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो अब स्टोरी तो मैंने आपको बता दी कि ये वीज़ा ऑस्ट्रेलिया को क्यों ये कंडीशन लगानी पड़ी, क्योंकि बहुत से लोग इसको मिसयूज़ कर रहे थे। इसी मिसयूज़ को रोकने के लिए, अच्छा देखिए, ये मिसयूज़ अभी जैसे प्रोटेक्शन वीज़ा भी इसमें ओपन है, तो एक टाइम आएगा कि ये लोग प्रोटेक्शन वीज़ा को भी इसके ऊपर ऑफ कर देंगे आप लोगों के मिसयूज़ करने की वजह से। तो ये जो कंडीशन ऑस्ट्रेलिया इंप्लीमेंट कर रहा है, बहुत सारे लोग इस तरह उन्होंने क्या किया कि टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं, अच्छा बाद में कुछ लोगों ने क्या किया टूरिस्ट वीज़ा पे आके उसको स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करवा लिया, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ों से वेव ऑफ मिल जाता है। आप अगर किसी भी कॉलेज में भी चले जाएं ऑनशोर आके तो आपको एडमिशन मिल जाता है, वीजा के चांस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं स्टडी वीजा के लिए एज कंपेयर जब आप अपने कंट्री में होते हैं। और आजकल तो आपको पता है कि स्टडी वीजा के ऊपर बहुत ज्यादा रिजेक्शन आ रही है। तो आप लोगों ने इस चीज को मेक श्योर करना है कि अब ये इंटेंशन लेके बिल्कुल नहीं आना, या अगर कोई एजेंट आपको बोले कि हम आपको आगे कन्वर्जन करवा देंगे तो ये सारी कहानियां होंगी, आपने इस चीज को अवॉइड करना है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ में बहुत सारे अपने पैसे वेस्ट कर देते हैं, और एक तरह से ये आप लोगों के लिए अच्छा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक क्लियर पिक्चर आप सब लोगों को दे दी है कि भाई अब आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप एज अ टूरिस्ट कंसिडर होंगे, अपना घूमें फिरें जो करना है करें, जब आपका टाइम वीज़े का ख़त्म हो रहा है तो आराम से अपने कंट्री में वापस जाएं, और यही आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और बात करूंगा कि ये जो 8503 कंडीशन है, इस कंडीशन के ऊपर जब आपके वीज़ा के ऊपर लगी होगी तो आप लोगों ने एक चीज़ श्योर करनी है जब भी आपको वीज़ा ग्रांट हो कि ये कंडीशन आपके वीज़ा के ऊपर लगी हुई है या नहीं लगी हुई। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया अपने जितने भी वीज़ा होंगे टूरिस्ट वीज़ा के, उन सब के ऊपर 8503 जो है इम्प्लीमेंट करेगा,
ताकि इस प्रोग्राम की जो इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन रखा जाए। और ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा लेना कोई इतना आसान नहीं है। बहुत से लोग आपको कहते हैं कि जी आपको इजीली टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अगर आप देखें 100 लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें से 40-45 एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं टूरिस्ट वीज़ा की। लेकिन 8503 कंडीशन आने से एक मेरी अपनी ओपिनियन है कि जो टूरिस्ट वीज़ा की जो रेशो है वो बढ़ेगी, क्योंकि जब आपको नो फर्दर स्टे की कंडीशन आपके वीजे के ऊपर लग जाएगी तो आपको समहाउ ऑस्ट्रेलिया छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ मेरे लिए ये है कि ये 8503 से जो टूरिस्ट वीज़ा की जो ग्रांट है या रेशियो है वो आने वाले दिनों में हमें बढ़ती नजर आएंगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो द पीपल कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।